हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10 का बी का 8 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम देखो, पीछे वाला जो फॉर्मूला नहीं पढ़े पूरा फॉर्मूला को रिकवर कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो यहाँ इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज कॉस टू 1/2। यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे LHS। तो कॉस 15 डिग्री और माइनस कितना इधर से साइन 15 डिग्री। देखो, कॉस 15 डिग्री वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इस 15 डिग्री को दो पार्ट में तोड़ेंगे। दो ऐसे पार्ट में इसको तोड़िए, डिवाइड कीजिए कि दोनों का वैल्यू जानते हैं, या तो प्लस करके या माइनस करके। तो वह इधर से हम कॉस 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, बोलो। 15 पूरा करना है तो क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री और माइनस कौन सा 30 डिग्री। तो 45 और माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेम एज हेयर, यहाँ पर कितना इधर से साइन, कितना इधर से, इसको भी हम 45 डिग्री और माइनस कौन सा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ए हो गया ये और ये हो गया कौन सा बी। उसका देखो यहाँ माइनस है तो कॉस में क्या बोले थे, उल्टा, ये प्लस। उसका फिर क्या लिखेंगे, साइन ए, तो साइन 45 डिग्री इंटू कितना इधर, साइन 30 डिग्री हो गया। अब ये वाला माइनस है बीच में, तो यहाँ ब्रैकेट दीजिए, मिडिल ब्रैकेट। साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला बताए थे, साइन ए, तो ए की जगह 45 डिग्री। उसके बाद कॉस बी, इसका मतलब कौन सा, कॉस 30 डिग्री। ये हो गया ए और इसको क्या माने, बी मान लो। अब माइनस है तो यहाँ माइनस दो, फिर कितना, कॉस ए, कॉस 45 डिग्री इंटू कितना, साइन बी, बी की जगह पर कौन सा इधर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू लिखो, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना इधर √3/2, √3 है भाई। साइन 45 है, यह है 45 डिग्री, तो 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2, यहाँ माइनस, इधर से कॉस साइन 45 तो 1/√2 कितना इधर √2, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, फिर कॉस 45 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 और नीचे में 2√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/√2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इधर से यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 2√2। माइनस माइनस कितना वो प्लस, तो 1/√2 कितना 2 × √2, तो 2√2 कुछ कटेगा ये और ये कट गया। यहाँ से देखो 1/√2 और 1/√2, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/√2, ये कट गया 2 कट गया, तो 1/√2 कितना बचा इधर √2। लाना क्या इतना था आपके पास, यही प्रूव करना था, हो गया। अब चलो सेकेंड नंबर में देखते हैं। अब यहाँ पर से देख लो, सेकेंड नंबर में क्या है, कॉट का वैल्यू निकाल लो। कॉट 1 कितना है, कॉट 105 डिग्री और टेन 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, उसका LHS में पुट कर दो, जो है आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले आपके पास कॉट 105 का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ निकालते हैं सेकेंड नंबर, यहाँ लिखो वो कॉट 105 डिग्री। कॉट 105 डिग्री को फिर से कितना, दो पार्ट में तोड़िए इसको, तो कितना, दो पार्ट ऐसा में तोड़िए कि दोनों का वैल्यू जानते हो, कौन दोनों, कॉट के दोनों का वैल्यू जानते हो। जैसे यहाँ पर देखो, कॉस 45 का भी पता है आपको, कॉस 30 का भी पता है, तो ऐसा नहीं कॉस 15 को हम कितना, कॉस 10 आप प्लस कितना 5 भी लिख सकते, तो आपके यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाएगा कि कॉस ना कॉस 15 का वैल्यू जानते हैं और ना ही कॉस 5 का वैल्यू जानते हैं। आ जाओ, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इधर से 60 डिग्री और प्लस कौन सा 45 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी। तो कॉट ए प्लस बी के लिए क्या फार्मूला पढ़ाए थे, कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और नीचे में कितना इधर कॉट ए और प्लस कौन सा इधर कॉट बी, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, इधर से हो गया कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट कितना इधर 45 डिग्री इंटू है बीच में माइनस 1 और नीचे में कितना हुआ कॉट ए और प्लस कितना इधर से कॉट बी। अब इधर से कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का 1/√3, कॉट 45 कितना 1, यहाँ माइनस 1, कॉट 60 डिग्री कितना 1/√3 और प्लस कॉट 45 कितना होता है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 और नीचे में कितना होगा 1/√3 प्लस 1। यहाँ एलसीएम ले लेगा ऊपर ऊपर में हुआ √3, तो यहाँ 1 माइनस कौन सा √3 और नीचे में कितना हो जाएगा इधर से सॉरी यहाँ भी हुआ √3 1/√3, यहाँ भी √3 एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस ये भी √3 कट गया, तो 1 माइनस √3 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस √3।
हो जाएगा। चलो ये cot 45 का निकला, सॉरी cot 105 डिग्री। अब क्या बचेगा, tan 105। अब tan 105 का निकालिए, देखो tan 105 डिग्री, यहाँ लिखो tan 105 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे बा, tan 60 डिग्री या प्लस कौन सा हुआ 45 डिग्री, तो इसको tan 60 डिग्री या प्लस 45 डिग्री, तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b की क्या फार्मूला बताते, tan a प्लस tan b अवट्टा में कौन सा हुआ 1 माइनस tan a इंटू tan b, बट tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना रूट थ्री और tan 45 वन, यहाँ वन तो सही है, tan 60 डिग्री कितना रूट थ्री या tan 45 कितना वन, रूट थ्री प्लस वन, यहाँ वन माइनस कौन सा रूट थ्री, ये किसका tan 105 और cot 105 का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब है आपके पास कौन सा LHS, ये क्या है आपके पास LHS, तो LHS में पुट करो वैल्यू, तो अब यहाँ पर इसको मिटा दो, यहाँ लिखो LHS, यहाँ सेकेंड नंबर तो था, यहाँ पर लिखेंगे हम LHS, LHS क्या है आपके पास cot 105 डिग्री या माइनस tan 100 कितना इधर से 5 डिग्री, cot 105 डिग्री का वैल्यू कितना निकला है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन कितना इधर 1 प्लस रूट थ्री माइनस tan 105 का क्या लिखना है रूट थ्री प्लस वन, इसको हम 1 प्लस रूट थ्री लिख सकते हैं और नीचे में 1 माइनस कौन सा इधर रूट थ्री, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस रूट थ्री एन टू वन माइनस कौन सा रूट थ्री, ये से ये कट गया, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इस दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस वाला कट गया, ये प्लस वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री या माइनस टू ए बी, तो माइनस टू रूट थ्री, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ वन का स्क्वायर वन उसका कौन सा रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, लेकिन बीच में प्लस होगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ वाला माइनस हो जाएगा प्लस टू ए बी, इसके कारण यहाँ माइनस टू ए बी तो टू रूट थ्री, और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर कितना वन प्लस यहाँ क्या तो माइनस और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा थ्री होगा। अब इधर से कुछ कटेगा क्या, देखो तो ये और ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ देखो तो माइनस टू रूट टू और माइनस टू रूट थ्री और माइनस टू रूट थ्री कितना हो जाएगा इधर से माइनस फोर, इधर हो जाएगा रूट थ्री और नीचे में कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस कट गया टू से टू कट गया, इधर क्या बचा टू रूट अंडर थ्री, यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलो थर्ड नंबर है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन वन माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, तो अब यहाँ पर याद रखो कौन सा फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस बी का, कैसे करोगे याद कि tan a प्लस बी लगेगा कैसे समझ में आएगा, ये तो हम इस तरह से चलते हैं tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan a, देखो यहाँ बीच में प्लस है, ऊपर में क्या है जो चीज़ ऊपर में यहाँ पर है ना उसी का देखो वन में से माइनस होकर यहाँ पर उसी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका मतलब ऊपर में प्लस है, ये दोनों एंगल को क्या कर देना है एक tan लिखना है दोनों एंगल को जोड़ देना है, देखो यहाँ पर अब फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो क्या करोगे बीच में प्लस है, अब यहाँ देखो यहाँ दोनों tan है और इसी का ऊपर में जो है उसी का यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ वन माइनस में है ऊपर प्लस, तो इसका मतलब कौन सा यहाँ tan लिख लो और दोनों एंगल को लिख दो, ठीक है ना, और देखो बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो बस हो गया। अब यहाँ पर ये कितना होगा फाइव, इधर कितना हो जाएगा नौ छः पंद्रह छः छः बारह एक तेरह tan 135, tan 135 का वैल्यू नहीं जानते तो इसको ले जाइए 90, अब प्लस कितना इधर से 45 डिग्री पर तो 90 है, तो क्या बताए थे फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा cot 45, अब देखो 90 प्लस कौन सा क्वाड में सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड में tan का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, इसीलिए यहाँ निगेटिव cot 45 क्या होता है माइनस वन, यही प्रूव करना था आपके पास, ये भी प्रूव हो गया, समझ में। नंबर क्वेश्चन है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, इसको tan 54 डिग्री प्रूफ करना है। जब ये इस तरह का क्वेश्चन आया है जब मतलब ऊपर में एक कॉस हो साइन हो नीचे में कॉस हो और माइनस साइन हो, ठीक है ना, या ऊपर माइनस हो या नीचे प्लस हो और टेन में लाना है, कुछ नहीं करो नोमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर में भी
कॉस से डिवाइड कर दो, नीचे में भी कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड मतलब कौन सा हो गया, न्यूमरेटर डिवाइड यहाँ पर लिख देना डिवाइडिंग बाय कॉस 9 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अगर एंगल जो रहेगा उसी से डिवाइड करना, तो कॉस 9 है यहाँ भी हम कॉस 9 डिग्री से प्लस है तो प्लस रहने दो, यहाँ साइन 9 डिग्री और यहाँ लिखेंगे हम कॉस 9 डिग्री अपॉन कितना इधर से कॉस 9 डिग्री, इधर है कितना हुआ कॉस 9 डिग्री या माइनस इधर से कितना है साइन 9 डिग्री, इधर है कॉस 9 डिग्री, ये कट गया ये कट गया, इधर कितना होगा 1, ये है कितना हो जाएगा टेन 9 डिग्री और 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा साइन बट्टा कॉस, ये भी कितना टेन 9 डिग्री हो गया। अब देखो वो यहाँ पर एक स्टेप और चलो, 1 प्लस हम टेन 9 डिग्री और 1 माइनस टेन 9 डिग्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम अपने तरफ से 1 लिख सकते हैं, क्यों 1 लिखे हैं देखो अभी इस टेन सॉरी 1 के जगह पर हम टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, चलो प्लस इधर कौन सा टेन 9 डिग्री, ये 1 जैसी वैसी रखो, इस 1 की जगह हम पुट करेंगे टेन 45 डिग्री इंटू है आपके पास कितना टेन 9 डिग्री, ठीक है ना। अब बात करोगे सर यहाँ पर 1 है यहाँ क्यों नहीं पुट किया, अगर यहाँ पुट करते तो फार्मूला पे ये सेट नहीं होता। अब फार्मूला पे आ गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ नीचे में क्या फार्मूला जो यहाँ होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन, तो अब यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे दोनों एंगल लिखेंगे और यहाँ पर 9 डिग्री ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10 9 5 14 यानी 54 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पर है आपके पास कौन सा है 10 नंबर है, ठीक है ना, तो 10 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वाड्रेंट एकदम रिवीजन हो चाहिए, क्वाड्रेंट का होना चाहिए एकदम रिवीजन, यहाँ एकदम रिकॉल होना चाहिए, क्या बोले थे हम इसको 0 से लेकर 90 डिग्री क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड 90 से 180 कौन सा, सेकेंड क्वाड 90 से 270 कौन सा, थर्ड क्वाड और सॉरी 270 से लेकर 360 कौन सा, फोर्थ क्वाड, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, कैसे बोले थे याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्या बोले थे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कौन सा लास्ट में है तो लास्ट क्वाड्रेंट, और सी से क्या होता है कॉस और कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो 90 डिग्री को पाई बाई टू लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, 270 को 3 पाई बाई टू भी लिखते हैं और 360 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज़ और बताए थे हम, क्या बताए थे कि 90 डिग्री या 2 पाई बाई टू और इधर कौन सा 3 पाई बाई टू रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज मतलब साइन का कॉस में और कॉस का किसके साइन में, ठीक है ना। अगर 180 और कौन सा 360 रहेगा तो फंक्शन नो चेंज, देखो कैसे बनेगा यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है पाई है इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीधे लिख दो कॉस थीटा। अब ये प्लस की माइनस, देखो पाई प्लस है तो पाई प्लस कौन सा सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव हो गया। कॉस माइनस थीटा आपको पढ़ाए थे क्या होता है ये कॉस थीटा होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर कॉस पाई है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कॉस लिख देंगे और थीटा लिख देंगे, प्लस की माइनस तो देखो पाई से माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। देखो यहाँ पाई बाई टू है तो पाई बाई टू है इसका मतलब क्या बोले थे फंक्शन चेंज होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ आप आँख बंद करके साइन थीटा, आँख बंद करके मतलब साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई टू है, पाई बाई टू कौन सा सेकेंड क्वाड में, देखो यहाँ साइन है लेकिन इसके वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ गया, ये कट गया ये वाला माइनस तो सही है, कॉस इधर साइन कॉस बट्टा साइन क्या देता है कॉट थीटा, यही आपके पास प्रूव्ड करना था, समझ में आ गया, भारी है नहीं ना। चलो हम इधर देखते हैं वो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 का डायरेक्ट हम LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम LHS कॉस थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा अपॉन साइन 180 डिग्री अब प्लस थीटा प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, लाना हमको 3 लाना है, देखो
यहाँ पर ऊपर में सिर्फ कॉस थीटा है, तो ये जैसे इसको वैसे उतार दो। यहाँ क्या देखें, साइन 90 प्लस 90 है, फट से फंक्शन को चेंज कर दो। साइन किस में चेंज आएगा, कॉस थीटा में। अब देखो प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, सेकेंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है। अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, 90 या 270, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा 90 प्लस में, 90 प्लस में साइन का वैल्यू क्या, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव होगा। चलो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो फिर यहाँ देखो 180 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा 180 प्लस है, 180 प्लस किस में, सेकंड में आ जाएगा, 180 में कुछ भी जोड़ होगा, सेकंड सॉरी थर्ड में आएगा, और थर्ड में टेन पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चलो इधर से माइनस तो सही है, 90 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज, कॉट थीटा 90 प्लस कौन क्वाड में, सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड में कौन सा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए ये निगेटिव हो गया। नीचे में कॉट थीटा अपनी जगह सही है, यहाँ देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, वन, ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, ये भी वन, ये देखो माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस, इससे कट जाएगा तो यहाँ वन बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस वन कितना हो गया यहाँ, थ्री। प्रूव्ड, यही था दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, था ना। चलो वो 13 नंबर क्वेश्चन में है, दिस वन इज कॉस्ट टू दिस वन, मतलब वन प्रूफ करना है। तो ध्यान दो क्या बताया, यहाँ पर साइन है, इधर 180, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा, साइन थीटा। प्लस की माइनस, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड में, थर्ड में, थर्ड में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉस है, ये क्या है, 90 है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 प्लस कौन सा क्वाड में, सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब कहोगे सर यहाँ तो साइन निगेटिव पॉजिटिव लिख के है, और तो यहाँ तो साइन है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान दो ये साइन थीटा किसके वजह से है, इस कॉस की वजह से है ना, इसीलिए यहाँ निगेटिव। फिर आगे चलो टेन है, 270 है, तो हम क्या बोले, 270 होगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, इधर क्या चीज हो जाएगा, कॉट थीटा। प्लस की माइनस, तो 270 से माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड में हो रहा है, थर्ड में, थर्ड में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉट है 360 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। प्लस की माइनस, तो 360 से क्या हो रहा है, माइनस, तो कौन सा क्वाड में, फोर्थ में, फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, ठीक है ना। अब नीचे आओ, यहाँ 360 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कौन सा, साइन थीटा। 360 से माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होगा, निगेटिव। चलो 360 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। 360 प्लस है, 360 से प्लस कौन सा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। इंटू कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। आप इधर से 270 है, तो 270 तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, 270 प्लस है, प्लस की माइनस, 270 प्लस किस में, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। यहाँ ध्यान दो ये कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, उसके बाद से और क्या कटेगा, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हो गया, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस काट दे, माइनस को पहले काट कूट के हटाओ, कट दिए, इधर क्या हो गया, साइन थीटा, यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा। यहाँ कॉट को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन कितना हुआ, इधर साइन थीटा, इनटू इस कॉट को भी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन कौन सा, इधर साइन थीटा। नीचे यहाँ कॉस थीटा अपने जगह सही है, यहाँ कॉसेक को 1/ साइन थीटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर कौन सा, इधर कॉस थीटा पहले से है, देखो ये साइन से ये साइन कट गया, ये वाला अपॉन से ये कट गया, ये से ये काट दो, ये से ये काट गया, बच गया कितना, वन, यही हो गया आपके पास प्रूव्ड। समझ में आ गया कैसे याद रखना है। सो एक बार और हम रिकॉल करवा देते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को कैसे याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्या याद रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड में कौन सा, एस से क्या होता है, साइन, और उसका उल्टा कौन सा, कॉसेक पॉजिटिव। टी मतलब कौन सा, थर्ड, टी से क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव थर्ड में। सी मतलब कौन सा, सी से आगे लास्ट, सी से क्या होता है, सी से क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। समझ में आ गया, आपको ये याद रखने के लिए एकदम बड़ा आसान तरीका है, क्या याद रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी, और फंक्शन चेंज करता है किस पे, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज करेगा, 180 और 360 रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया आज का क्लास, चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।